ज ऑलवेज स्कैनिंग साइड बंदे को पॉसेस मिल रहे उससे पहले बंदा दो से तीन बार स्कैन करेगा एंड ही इज रिसीविंग द पॉसेज पास मिलने से पहले भाई पूरी पिच को बंदा स्कैन करेगा अपने शोल्डर्स को देखेगा और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई लोग बाकी प्लेयर्स को मैंने देखा इनका मैंने ब्रेक डाउन किया नन ऑफ दीज प्लेयर्स डू दिस हे गाइस वेलकम बैक टू माय नेम इज जीशान एंड आज हम बात करने हैं वहाँ पे बार्सिलोना के ट्रांसफर टारगेट्स के रिगार्डिंग सबको पता है कि न्यूज़ कल आ रही थी विटो रॉकेट बार्सोना ऑलमोस्ट एक डन डील हो गई है डीआरओ एएस की रिपोर्ट्स है कि सारे अग्रीमेंट्स इन प्लेस हैं फोर्टी मिलियन यूरोज की ये साइनिंग होगी एंड बार्सिलोना तीन इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करने वाली है एथलेटिको एथलिटिको को सो so, बात ये थी कि अब हु इज दिस गाय सब सब लोग यही पूछेंगे ना कि बंदा है कौन देखो ही इज अ ब्राजीलियन स्टारलाइट एक वंडर किड है काफ़ी बेहतरीन एडी नो ओल्ड एक ब्लिस्टरिंग स्ट्राइकर है एथलेट को परानेंस की टीम में खेलता है बंदा और uh, कई लोग कहते हैं यार कि uh, ब्राजील के लिए एंड्रिक इज द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर जो कभी इस जनरेशन में खेल रहे हैं ठीक है डेफिनेटली आई हैव नो प्रॉब्लम वेन पीपल से दैट एंड्रिक वुड बी नेचुरल नंबर नाइन टेकर ब्राजील की शर्ट के लिए बट अगर कोई एक बंदा क्लोज आएगा और एंड्रिक को चैलेंज करेगा दैट्स गाइड जो थी the वेट कराए काफी टाइम तक मुझे खेलना है तो बार्सा में ही खेलना है एंड बहुत सी बात थी कि डेको अभी करेंटली जो हमारी स्पोर्टिंग डायरेक्टर है जॉडी क्राइफ से हो नहीं रहा था भैया उनको हटा दिया गया एंड जिस दिन डेको आए हैं डेको आने के बाद से बाबा ही हैज बिन गिविंग अस गुड न्यूज तो क्योंकि अब डेको को एक आइडिया है ब्रिजिलियन मार्केट का सो ही टॉक टू द एजेंट आंड्रे करी जो इसके एजेंट है विटर रॉके के अब इनसे बातचीत हुई एंड फाइनलाइज हो चुकी है डील अभी जस्ट हेयर वी गो या ये सब ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आई हैं द थिंग बिकॉज बार्सिलोना को स्टिल अभी सेल करना है हमारा लालिगा का प्लान एक्सेप्टेड है सारी चीज़ें सेटल्ड हैं डन डस्टेड है ठीक है, है मेसी को हमने मिस आउट किया बट गया लाइफ डजेंट एंड ओवर देयर फुटबॉल डजेंट एंड ओवर देयर क्योंकि हमें अपने सीजन में अपनी टीम को बिल्ड करना है आ सिबल इस दैट और अब तुम पूछ रहे हो कि भाई लेवान डोस की है तुम वीटर रॉके को क्यों साइन कर रहे हो बबा लेवा थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे इस साल तो अब थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड प्लेयर के लेके तुम कहे कितना खेलोगे? रिप्लेसमेंट यू नीड यंग प्लेयर इन योर टीम जो कि भाई एक अंडर स्टडी बन के लेवा के खेले और ये बंदा भाई 18 साल का है अगर ये दो साल भी एक अंडर स्टडी के खेलेगा अगर बेंच रोल पर भी अपने आपको ये बंदा पाएगा तो इट्स नॉट बैड फॉर हिज प्रोग्रेशन हैम्पर नहीं करेगा और ही इज प्लेइंग एट अ ग्रेट टीम अंडर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर्स सो अब हु इज दिस गाय विटर रॉके और बारसा क्यों परेशान है इसके लिए ये जानने के लिए हम इसको स्टडी करेंगे थोड़ा सा विल ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई ये बंदे के स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है सबसे पहली बार तुम अगर विटर रॉके को तुम देखोगे ना तुमको एक चीज़ जरूर सुन में आएगी भाई दिस गाय इज बाउंड फॉर ग्रेटनेस तुम जितने भी इसकी वीडियो हाईलाइट देख लो व्हाटएवर इट इज तुमको एक चीज समझ में आ जाएगी भाई ये बंदा बोले है लिटरली सांड है ये बंदा इज नॉट द टॉललेस प्लेयर ऑन द पिच मेरे ओपिनियन में जितने भी मैंने हाईलाइट देखें क्लिप्स देखे उनमें मैंने पहले चीज एक चीज अपने दिमाग में बनाई थी बंदा एरली स्ट्रॉग नहीं होगा बट ऑनस्टली एरली भी बहुत है इज नॉट वन ऑफ दिच बट स्टिल एरियल प्रेजेंस काफी, काफी बेहतरीन है देखो ड्रिबलिंग जो इस बंद की है ना काफी टॉप नॉच है ठीक है बॉल रिटेंशन और सबसे अच्छी बात है ना इस बंद के पास वो हल्का सा लापॉजा है जो अपनी टीम में काफी सारे प्लेयर्स में लैक करता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लापोजा आई रियली वॉन्टेड साइन दिस गाय

ली भाई तुम इसको एड्रियानो या रोनाल्डो नजारियो वाले एट्रीब्यूट तुम्हें इसकी झलक मिलते देखेगी करेंट प्लेयर की अगर बात करू तो लुइस सोरेस ठीक है सोरेस क्या था बाबा बुलता सोरेस बट सोरेस में एक चीज बहुत बेहतरीन थी आई फॉर अ पास यही चीज है जो कि विटर रॉके में काफी लैक करती है ठीक है इसके में पेस है सबसे इंपॉर्टेंटली पेस है होल्डअप प्ले बंदे का काफी अच्छा एरियल प्रेजेंस है आई फॉर गोल है अटैकिंग प्रेजेंस है फिनिशिंग काफी अच्छी है स्ट्रेंथ बहुत ही बुंडफाड़ है और सबसे अच्छी बात भाई बंदे का बॉडी बैलेंस बहुत अच्छा है गिरता नहीं है लो सेंट ऑफ ग्रेविटी है एक चीज जो बंदे में लैक करती है दैट इज दिंकअप अबिलिटी जो कि पोटेंशियली बारसल नाम पर इंप्रूव हो जाएगी सो आई एम वेरी हैप्पी भाई बार्सल को साइन कर ले ये मेरा वन ऑफ द टारगेट था बिकॉज अगर हम इस बंदे को भी छोड़ देंगे ना किसी और टीम में चला जाएगा आराम कोर एंड देन फिर हम वी विल लूज आउट ऑन सच बिग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फुटबॉल आगे जो वीडियो का पार्ट होने वाला है बाइलॉग वो ऐसा पार्ट होने वाला है दैट पीपल हैवन टॉक्ड अबाउट दीज प्लेयर्स ठीक है हम बात करते हैं केमिक जुबी मिडी या अमरबाद के बारे में बट अगले आने वाले चार पांच प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इतने अंडर रेटेड है एंड ऑल ऑफ दीज गाइज आर द रिप्लेसमेंट्स ऑफ सर्जियो बुस्कट्स तो हम इन चार पाँच प्लेयर्स को स्टडी करेंगे एंड टूवर्ड्स दी एंड आप मुझे बताओगे कि इन चार पांच प्लेयर्स में से कौन आपको सबसे बेहतरीन लगा एंड हु डू यू थिंक कैन जॉइन बार्सिलोना मैं अब इन प्लेयर्स का जो एनालिसिस करूँगा वो मैं बारसा स्पेसिफिक नहीं रखूंगा आई विल ट्राई टू टॉक इन जनरल अबाउट देम एंड एंड में आई विल आल्सो गिव यू टू सेंट्स कि भाई मेरे ओपिनियन में कौन से टीम के लिए प्लेयर्स फिट होंगे सबसे पहले मुझे बात करनी है यहाँ पे फैब्रिसियो डियाज की अब ये बंदा है 20 ईयर ओल्ड उरुग्वे

एस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्वेंटी फाइव मिलियन यूरो का बट हु इज फ रिसियो दिया बंद को खेलते देखोगे तुम्हें एक फुली ऑफ अ प्लेयर मिलेगा पिच में ठीक है ही इज इमेंस इन टैकलिंग इंटरसेप्शन रिकवरीज बहुत फार्ड इसकी डिफेंसिव पोजिशन बट जो प्रॉब्लम है इस बंदे में प्रॉब्लम क्या कहोगे तुम कहोगे इंप्रूवमेंट फैक्टर है वो पेस का है टॉप नॉच है फैब्रिको दिया की बट इज पेस अच्छी नहीं है बट देन अगेन वेन यू लुक एट द पोजिशन ही प्लेस ही प्लेस इन दिंगल डिफेंसिंग पोजिशन पेस क्यों चाहिए आपको नहीं चाहिए आपको देन वहां पर ही मेक्स ए टॉप बिकॉज ऑफ इज पोजिशनिंग तो अगर बंदे की पेस भी नहीं अच्छी है पोजिशनिंग की वजह से ही कवर्स ए टॉप एंड ही इज अ वो राशियस टाकलर मतलब कांटे वाली टाकलिंग आपको उसमें देखेगी वो घुस जाता है टाकल्स में ही ड्राइव थ्रू बट एक बात है यूर आपको इसमें कहीं ना कहीं वो एक पेशेंस की थोड़ी सी कमी मिलेगी रैगेड टाइप का एक प्लेयर या है ये है आपके लिए बट इसकी क्योंकि पासिंग बहुत बेहतरीन है यार इसकी रेंज जो है ना पासिंग इट्स वेरी गुड अच्छा हार्ड ऑफ द बॉल है एंड टू पेयर हिम अलॉग साइड फ्रेंकी डिंग बहुत बहुत ही विल मेक वंडर्स यार दूसरा बंदा है जो यहाँ पे हमारे अकेडमी का है प्लेयर है ये बंदा है पाउप्रेम ठीक है इसको हमने काफी टाइम से फॉलो किया है अभी रिसेंटली जब विसिल कोबे के अगेंस्ट बार्स ऑफ फ्रेंडी खेली थी उसमें बंदा भी खेला था यहाँ पे पाउप्रेम क्या है भाई अपना लामासियाई प्लेयर है तो बींग एट अर क्लब इस बंदे में एक एक चीज थी जो मैंने देखी और मैंने इन बाकी प्लेयर्स पे किसी में नहीं देखी गेस करोगे क्या चीज है चलो आई पिच सत्रह साल का बंदा है जब भी, भी ये बंदा खेलता है पिच पे अभी तुम पिछले स्कैनिंग साइड बंदे को पॉसिस मिल रहे उससे पहले बंदा दो से तीन बार स्कैन करेगा एंड ही इज रिसीविंग द पॉसेस पास मिलने से पहले भाई पूरे पिच को बंदा स्कैन करेगा अपने शोल्डर्स को देखेगा और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई लोग ये बाकी प्लेयर्स को मैंने देखा इनको इनका मैंने ब्रेक डाउन किया नन ऑफ दीज प्लेयर्स डू दिस और ये कहाँ से आता है ये बार्सोलोना पे खेलने से आता है बाबा जहाँ पे बड़े बड़े धुरंदर डीएम्स पे गोर्ड्स लेके सर्जियो बुस्किस लेके जावीनियस्ता लेवल वाले प्लेयर्स आपकी टीम में खेले हैं तो दिस इज वॉट लामासिया ब्रिंग्स टू यू दैट इंटेलिजेंस ये बंदा की फिजिकैलिटी नहीं है तुमको रिकी पूज वाला स्ट्रक्चर मेंटेन तुम्हें लगेगा पिच पे ये बंदा करता है बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी बट इसकी प्रेजेंस स्कैनिंग अबिलिटी इज नॉट दैट गुड ऑफ अ टैक्लर एज वेल अपने आप को रश करता है लापॉजा है इस बंदे में पासिंग रेंज काफी अच्छी है एंड ही इज़ वेरी सटल पासर ऑफ द बॉल काफ़ी स्वीट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द बॉल है डेफिनेटली ओनली सेवेंटीन ईयर्स ऑफ एज है बंदा इम्प्रूव करेगा बट एक बात थी दैट टूड आउट इंस्टेंटली जैसे मैंने इस बंदे को देखा इसकी अबिलिटी टू स्कैन और यह बार्सोना के किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आई एम हैप्पी कि ये बंदा स्टिल अपने रैंक्स में है आ रियली होप कि भाई बंदा कहीं जाए नहीं बिकॉज आई एम लुकिंग At a very bright future of this guy, he'll have to improve his defensive impacts, interceptions and everything. I hope he does. But abhi is he ready to play in the first team? Mere opinion mein nahi. Abhi nahi 17 साल पे आप इसको अपने main team का starter नहीं बना सकते. हो. At least until 20 19 years of age मुझे लगता नहीं कि बंदा को मौका मिलेगा. But he is good. ठीक है. इसके बाद एक बंदा है जो कि literally मेरा best pick है. Out of all these players, this guy is my pick. अगर मैं मेरे कोई से होता Barcelona पे, आई वुड हैव सेड कि भाई Alper डेमिरोल को साइन करो दिस गाय इज भाई बुंडफार ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ओनली ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एज स्वीडिश प्लेयर है ये अंडर ट्वेंटी वन टीम के लिए काफी बार खेला है बापा इस बंदे की पासिंग रेंज इसके इंटरसेप्शन इसका डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे बड़ी बात इसकी कामनेस ऑन द पिच मतलब वन वन यू सी प्लेयर को लगता है अभी भाई ये बंद इज इनविजिबल ऑन द पिच इतना सटल इतनी क्वालिटी इतनी प्यारी क्वालिटी ऑन द पिच टू जस्ट टर्न अराउंड पास कर देना और भाई इसकी लाइन ब्रेकिंग पॉसेस मतलब बाकी प्लेयर्स के डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स है वो फ्लैंग्स में बॉल स्विच करते हैं बट डेमिर बिटवीन द लाइन्स ब्रेकिंग पॉसेस वूफ <laughs> भाई बहुत ही तगड़ा इसके पास सेंस ऑफ कामनेस है जैसे मैंने कहा उसका रिएक्शन टाइम बहुत स्लो है कभी कभी ऐसा होता है देखो ही इज नॉट द क्विकेस्ट गाय ऑन द पिच बट ही इज वेरी गुड इन होल्डिंग अप द प्ले ठीक है तो जब जो आपको जरूरत पड़ती है मिडफील्ड में कोई ऐसा बंदा हो जो कि आपका फोर्ट को होल्ड करे फ्रेंकी डिओग मूव करे ऊपर आल्पर डेमी रॉल वुड बी दट गाय जो इवन एज अ सिंगल पेविड खेल सकता है पापा मैं बता रहा हूं बंदे को तुम देखो मे बी जो लेवल पर बंदा खेलता है इट नॉट अ वेरी गुड लेवल टू कंपेयर विद केमिक और जूबी मेंडी बट स्टिल भाई दिस गाय हैज गॉट ह्यूज पोटेंशियल

आप सुना होगा तो सिमिलर प्रोफाइल में उनका बेटा है, 20 के लिए खेलता है। और अभी वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन हुई थी बंद सिमिलर का और स्टिल इट्स ऑल राइट इंटरसेप्शन काफी हाई रहे थे बंदे के uh, सबसे अच्छी बात है कि रेडोंडो इज वेरी गुड ऑन द बॉल एंड थोड़ा सा बंदा ना मुझे अनटाइडी लगा अब देखो तुम यार साउथ अमेरिकन फुटबॉल होता है यार थोड़ा सा फास्ट रगिड तो उस स्टाइल से मैंने जब इसको कंपेयर करना स्टार्ट किया ना अपने स्टाइल में तो आई फेल्ट कि मतलब तो थोड़ा सा अनटाइड है बट देन जैसे जैसे मैंने इसके चार पांच इसके कॉम्स देखे तो आई फेल्ट कि नहीं यार ऑन द बॉल व्हेन थिंग्स गो बैड जब दो तीन प्रेसर्स इस पर चढ़ते हैं तो ही हैज गॉट अ गुड अबिलिटी टू होल्ड अप द प्ले और सबसे गेट गेटअवे ढूंढता है पास करता है इसकी शॉर्ट रेंज की पासिंग एबिलिटी बड़ी प्यारी है ऑल दो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ा अच्छा है इसका बट द थिंग दैट स्टूड आउट वॉज द यूनिक सिमिलैरिटी टू सर्जियो बुस्केट्स वेन ही द वे ही टर्नस बहुत फाड़ है अच्छा स्ट्रॉन्ग टैकलर ऑफ द बॉल है आई फील लाइक कि भाई ये बंदा यू नो को ऑन टू प्ले एट ए टीम लाइक लिवरपूल या इवन चेल्सी वाली टीम के लिए बहुत परफेक्ट रहेगा थोड़ा सा एक ये बैंग बैंग एंड यू नो एक रगेड सिस्टम में बहुत बेहतरीन फिट होगा बट येस इवन एट बार्सो एफ यू नीड अ स्ट्रॉग टाकलर ऑफ द बॉल दिस गाय रेडोंडो वुड डू अ डेफिनेट जॉब यार इसके बाद जो लास्ट प्लेयर है ये एक्चुअली ही इज़ नॉट वन ऑफ द यंगस्टर्स क्योंकि सारे बंदे काफ़ी यंग है ये भी बंदा 21 साल का है बड़ी बंदा को काफी एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है बोका जूनियर के लिए खेलता है काफी सारे मैचेस में ये बंदा खेल चुका है 10 मिलियन यूरोस करंट वैल्यू है इसकी आलन वरेला इसको देख के मुझे एक प्लेयर याद आया हैंड्स डाउन में बता दो जोशुआ केमेख सिंपल सिंपल भाई बहुत ही प्यारा मतलब पाव प्रेम मुझे अगर वराटी की याद दिलाता है तो मुझे ये बंदा वरेला मुझे मुझे काइंड ऑफ एक केमिक वाली वाइब्स देता है बिकॉज के पास वो एक अबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द प्ले है बहुत प्यारा डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपनी टीम के लिए एंड ऑल्सो हैज गॉट दिस सेंस ऑफ टैकलिंग बॉल विनिंग अबिलिटी बहुत ही फाड़ है इस बंदे में ठीक है एक चीज और जो स्टैंड आउट करी इस बंदे की थी कि शॉर्ट डिस्टेंस पे दिस गाय इज वेरी एक्सप्लोसिव मतलब ही वुड नॉट बी द क्विकेस्ट गाय ऑन द पिच ठीक है बट इन शॉर्ट डिस्टेंस पे जो बंदा एक्सप्लोसिवनेस से जो तीन चार प्लेयर्स को ये बीट करता है ऑन अ स्ट्राइड एंड देन पासिस ऑन तो इज़ नॉट अ गाय जो कि भाई वो बॉक्स टू बॉक्स रोल कंप्लीट करेगा आपके डिफेंस से बॉल लेगा इन्हें ऊपर चढ़ेगा ऊपर जाके बॉल गोल स्कोर करेगा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा फाइनल थर्ड्स में ही इज अ गाय जो कि एक लिमिटेड पोजीशन पे खेलता है एक लिमिटेड जॉब होता है करना ही इज़ अ वो राशेस टैलर ऑफ द बॉल इज वेल बहुत ही हरामी प्लेयर है वैन इट कम्स टू प्रेसिंग वन इट कम्स टू टैलिंग एंड इंटरसेप्शन पोजिशनली ही इज़ वेरी वेरी सिक्योर्ड एज वेल तो वेरे इज ऑल्सो वन ऑफ दस गाय जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है यूनाइटेड के लिए ऑल्सो बहुत अच्छा फिट होगा डीप लाइन प्ले मेकर भी है बंद टाकलिंग बहुत प्यारी है इसकी बट देन दे ऑलरेडी हार्ड है कैसे मेरे और देना शिफ्ट माई ओपिनियन टू एनजो एंड वेरेला की पेयरिंग अ वेरी स्ट्रॉग टैक्लर ऑफ द बॉल एंड अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर इज वेल अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा वो एनजो के लिए एंड कुड भी अ वेरी गुड बैकअप टू लेट्स uh, से के के साथ इसको अगर तुम खिला लोगे वाओ भाई साहब मज़ा आ जाएगा भाई क्योंकि गोरेज़ का अप सीन अभी पता नहीं है बट देन ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको देखने में बड़ा मज़ा आता है दी आर द अपकमिंग जेम्स व्हेन इट कम्स टू द डीएम पोजीशन अब देखो ये जो आलन वरेला है ना ये बंदा प्योर डी है ठीक है प्योर डी है अब डेमिरॉल की जहाँ तक बात है ना ये बंदा प्योर डीएम नहीं ही कैन ऑल्सो प्ले इन दट नंबर एट रोल थोड़ा सा और एडवांस रोल में बंदा खेल सकता है बट आई वुड प्रिफर हम वेन ही इज़ प्लेइंग इन अ डीपर रोल तो ये कुछ ऐसे बंदे थे जो कि पोटेंशियली आपके रिप्लेसमेंट्स हो सकते फॉर सर्जियो बुस्केट्स बट अब इनमें से honestly, किसको कर सकती है, वरेला की बात है बंदा मुझे लगता नहीं 30, 35 यूरो से कम में आएगा, 2026 तक है भाई तीन अभी बचा का, तो मिलियन इज डेफिनेटली गोइंग टू प्ले इन यूरोप नाम भाई याद रख लेना बंदा डेफिनेटली खेलने वाला है बट इन सब में से तुमको कौन सा प्लेयर सबसे बेस्ट लगा ठीक है यू वुड यू वांट टू गो विथ माय चॉइस अपनी रिसर्च करो सारे प्लेयर्स को तुम देखो दाखो तुम बताओ कौन सा प्लेयर वुड बी बेस्ट स्टूडेंट फॉर बार्स बिकॉज गाइस ये वो वैसे प्लेयर्स हैं ना जो कि अपकमिंग जेम्स हैं हम अगर सुफियान अमरबा को साइन नहीं कर सकते ना लेट्स ट्राई टू गो फॉर वन ऑफ दीज यंग प्लेयर्स यार फेबरिको दिय ऑल्सो बहुत ही प्यारा प्रॉस्पेक्ट एंड बारसा लिंक भी ऐसे वुड नॉट बी अ बैड साइनिंग एंड मे बी एक्सपीरियंस कम है बंदे को खेलने का टॉप लेवल पर बट क्वालिटी इज ऑलवेज देर और लेट्स सी लेट्स ये क्या होता है बट गाइज बिफोर बार्सना कैन मेक एनी साइनिंग बिफोर वी कैन मेक वीटर रॉकेज डील सिक्योर्ड हमें करना होगा सेल अभी जॉर्जिया मंडेस कहते हैं कि अनशुमान फाटी वॉन्ट्स टू तो स्टे एट बारसा एंड वो कहते भी हैं ये बात कि ये बंदा आगे चल के बालंदौर जीतेगा तो बाबा वो क्या कहते हैं भाई वो तो बात अलग हो गई है डेफिनेटली वो उनके एजेंट है बट सीन ये है कि फाटी वॉन्ट्स टू तो स्टे बट बार्सोना वेट करेगी सेल करने के लिए तीन प्लेयर्स को इटली सेल करना है बिफोर वी कैन मेक एनी साइनिंग मैंने गुंडोगोन के बारे में बात नहीं की बिकॉज ऑनस्टली मैंने गुंडगोन के ऊपर काफी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना दिया आप पूछोगे भाई सुबह मिंडी की बात क्यों नहीं की तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था काफी डिटेल जिसमें मैंने रूबिन नेवेस वैसे गुंडूगॉन वर्स केमे की के बात की थी लिंक कर दूंगा देख लेना चंगा हो जाना वीडियो पसंद आया ना सही लगा लाइक कर देना वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बात है वी आर वेरी क्लोज टू टू हंड्रेड के मैं बोलता हूँ